हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। चलिए आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से आप एमएस एक्सेल फाइल के अंदर ऑटोमेटिक नंबर जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं एमएस एक्सेल की फाइल पे। हमने अगली वीडियो में डिस्कस किया था किस तरीके से आप सीरियल नंबर जनरेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम ये था कि अगर आपका यहाँ पे फर्स्ट रो पे होता तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता था, राइट। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पे चेक करके देख लीजिएगा, राइट। चलिए इस वीडियो में हम उसका सुधार करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको ये करना है कि यहाँ पे आप नेम टाइप करेंगे, 2 आएगा, यहाँ पे नेम टाइप करेंगे, यहाँ पे 3 आएगा, राइट। इस तरीके से यहाँ पे सीरियल नंबर जनरेट होता जाएगा। अगर आपको करना है तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, इक्वल साइन प्रेस करना होगा। इक्वल साइन प्रेस करने के बाद यहाँ पे इफ देना है और ब्रैकेट स्टार्ट करना है। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सेल को सिलेक्ट करना होगा और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इक्वल यहाँ पे देना होगा 0, क्योंकि यहाँ पे कोई भी यहाँ पे वैल्यू नहीं है, इसलिए यहाँ पे 0 देना होगा। देन उसके बाद यहाँ पे कामा और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा 1 टाइम, डबल इन्वर्टेड कामा 2 टाइम, इस तरीके से आपको यहाँ पे देना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स पार्ट देना है, यहाँ पे आपको कामा करना है और देन उसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर वाली वैल्यू को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको +1 कर देना है और ब्रैकेट को क्लोज करना है, देन इंटर प्रेस करना है। देन उसके बाद यहाँ पे आगे की तरफ आपको यहाँ पे ड्रैग कर देना है। आप जैसे ही यहाँ पे नेम टाइप करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे सीरियल नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पे जनरेट होगा, राइट। इस तरीके से यहाँ पे आप सीरियल नंबर जनरेट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।